कपाल भाति के बाद अब नेक्स्ट ब्रीदिंग एक्सरसाइज है बाह्य प्राणायाम। कपाल भाति की मतुंगा मैं आमना जी तो भी गए से वाह प्राणायाम अच्छी तो भी गनी। इसमें तीन बंध लगेंगे मशीदा मफम अहुम दा अथिंग बथम गनी। एक छोड़ी को कंठकूप में लगाना जालंध्र बंद। आहान बदा कोई खदांग अशी ना थबाकता मेंद्र थंबबू जालंधर बन गई। पेट को सिकोड़ के पीठ से लगा देंगे तो उड्यान बंद। हाय बप्पू कशी ना नफसी लगे थम्बसी बुना उद्यान बन गई। पुक्षी हापसी लगा नफसी नरयांग थम्बसी बुना उद्यान बन। और नाभि से नीचे वाले भाग को खींच लेते हैं तो मूल बंद। खोईदो की मखा दल एरी बसी बुना सिंखल लगे थम्बदू बुना मूल बंद कोई। श्वास बाहर छोड़ के तीनों बंद लगते हैं। हाई बसी तो भी दमता लोई नमक नुकसान शोर से मपान था दो खर मतुंग दा हाई रिवा बंद हुआ मची तो गनी। ऐसे करो मैं आम तो भी हुआ मुक्तंग सुमाए ना अंगम बंगम होने भी हुआ नहीं हो रहा करके देखो ट्राई करो डो दिस इनहेल द ब्रेथ देन एक्सहेल द ब्रेथ एंड होल्ड द ब्रेथ आउटसाइड नुंगसा से सोर सी लोई ना था दो मतुंग दा थार के थमगनी अधु के मतुंग दा खदांग ना थबाग दा बुक सी ना यांगले नन्नपसिन बा खोयो की मखा देगी चिंखल के थम्बा बन अहु मसी तवगनी। तीन से पांच बार ये कर लेना अहुम दगी ना मंगा भावा मंगा रख भावा मसी की बंदसी तवगनी। अब जो ये ना कर पाए तो अग्निसार क्रिया कर लेना। गुम्बा मसी गमद्रगना अग्निसार क्रिया मची तौगनी श्वास को बाहर छोड़ के पेट को अंदर खींचना और ढीला छोड़ना। सोर लो नमक था तो मतुंगा पुप्पू मनु दे चिंगे लगा फ्री होय न थंबा असमायना खप्त न सानबा असी भू अग्निशार क्रिया कोई। अब इससे भी टिपिकल क्रिया है। टिपिकल क्रिया क्या है वो नोली क्रिया। हाँ मछी देखी है ना खरे है ना अवाबा क्रियामल है नौली क्रिया को। मैं आपको करके दिखाता हूँ बाद में आप ट्राई कर लेना। हाँ ये तौरगा ताकनी मैं आम कोना मसी होने लगे इंग्लियो नौली क्रिया खरे है ना लूब क्रिया नी। मसी के क्रिया आशी वो नौली क्रिया कोई अरे लूबनी अदू बो मैं फोन रख यंग बिहू गंबरे यंग बिहू। इसके लिए थोड़ा आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मसी की दमकता खरा होने बचंगनी। अब पद्मासन में बैठो। पद्मासन दफम भी रहो दाएं पैर को बाएं पैर पे रखो। ये ना खोंग वही की भाई बागता ओई नहीं की भाई बागता लेफ्ट को राइट पर रखो। हाँ ओई नहीं ये तो थम भी रहो पद्मासन दफम भी रहो अंगांग चिंगदिंग अमगनी छात्र छात्री मचा मचा चिंगदी आपने लाइन और कमर सीधी रखो। ख्वांग चुमने थम्बिरो ख्वांग चुमना 90 डिग्री दा। अब गले और थायराइड टॉन्सिल के लिए उज्जायी प्राणायाम करेंगे। खौना उंगाई तबा थायराइड की अमदि टॉन्सिल की दमकता उज्जायी हरबा शोर साजे नसी तौगनी। गले को टाइट करके श्वास को अंदर भरना। खौरी ऐसी खून थमगा सोर ऐसी मनुंगा मखोन थोंगना सिंखत कनी। और अंदर भर के थोड़ी देर होल्ड करके रखेंगे मनुंगे सिंखल मतुंगा मिकुप खरदंग थिंगा का थमगनी सोर फार का थमगनी। फिर राइट नोस्टिल को बंद करके लेफ्ट से छोड़ेंगे आदु की मतुंगा ये थंगम नातोन मखुल ऐसी खूबी ने मेलगा ओय रोम दत्तम नत्तम ने साधो कनी। जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे आप सब करना। बाबा ने तौरी बसी यंग बिरो आदि मतुंगे ने तौरी बिरो फिर राइट नोस्टिल को बंद करके लेफ्ट से बाहर छोड़ना। ओए रोमदा सोर दू था दो पिरो येत की मखुन में लगा तप ना। ये उज्जायी प्राणायाम तीन से पांच बार कर लेना। हाय रिबा उज्जायी प्राणायाम से अहुम दगी ना आरक भावत होगनी। अब आपको अनुलोम विलोम प्राणायाम बताएंगे। मथंग दा मयाम पुनः मक्ता अनुलोम विलोम हरिवा प्राणायाम से एवरीबॉडी अनुलोम विलोम
अनुलोम विलोम अमुतंग पुन हाई सी अनुलोम विलोम बोलो अमुतंग हाई सी पुन हाई सी अनुलोम विलोम से एवरीबॉडी अनुलोम विलोम पुन अमुतंग हाई मिनट सी बोलो अनुलोम विलोम अनुलोम विलोम इसका क्या नाम है व्हाट इज द नेम अस्माइना तौरीसी करिकवी मैं खुमी हूं कपाल भाती से एवरीबॉडी कपाल भाती जोर से बोलो कपाल भाती कपाल भाती और ये व्हाट इज द नेम अनुलोम विलोम बोलो अनुलोम विलोम ऐसा तो ये अनुलोम विलोम प्राणायाम 5 मिनट्स करना है हरी बाल अनुलोम विलोम प्राणायाम से मिनट मंगा तो गुनी राइट हैंड को रेज कीजिए रेज योर राइट हैंड क्लोज योर राइट नॉस्ट्रिल फास्ट एंड एक्सहेल द ब्रेथ थ्रू योर लेफ्ट नॉस्ट्रिल खुद ये ना ये थम्ब मखुल मेन बिरो ओ इदगी चिंगिन बिरो अब लेफ्ट नॉस्ट्रिल को क्लोज करके राइट से एक्सहेल करो चिंगिन वालो मैं तुम दा और ओम द मेलो ये लोम द नुक्सा नुक्सी तो था दो पिरो फिर राइट से इनहेल करो अमुक्षु ये लोम द की चिंगिन बिरो फिर लेफ्ट से एक्सहेल करो और ओम द होंदो पिरो डू एवरीबॉडी कंटिन्यूअसली दिस असो मैंने तो उतना चांग नाइन लेप्त ने तो बिरो ऑल्टरनेटिवली ब्रीदिंग येत अमदी ओय दा तोंगान तोंगान चिंगिन बा तोंगान तोंगान थादोक बा ऐसे 5 मिनट करना है कंटिन्यूअसली असो मैना मिनट बंगा लेप्त ने तो गनी अनुलोम विलोम आयरिबा प्राणायाम सी लेफ्ट नॉस्ट्रिल से राइट ब्रेन कनेक्टेड है ये की नातोन में खुंदगी ओय की ब्रेन का समनरी और राइट नॉस्ट्रिल से लेफ्ट ब्रेन जुड़ा हुआ है ओय की ना ये ता अदुगे ये की नातोन में खुन ना ओय की ब्रेन दा मसी समनरी बनी जब राइट और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से ब्रीदिंग करते हैं तो राइट लेफ्ट ब्रेन हमारा पूरी तरह एक्टिवेट हो जाता है ये की नातोन में खुन मेंजिल लगा ओय देखी सिंगा दी ये थंगबा ब्रेन से एक्टिवेट हो मपांगन कंगलली मेमोरी को शार्प करने के लिए बहुत जरूरी है ये अनुलोम विलोम अदुना निंगथिंग बंग अंबगी शक्ति बुकं खन अंबगी दमक ते याम न फरब पांबई नी अनुलोम विलोम हारी प्राणायाम सी इससे माइग्रेन पेन और हेडेक सिरदर्द पूरी तरह ठीक हो जाता है कोक चिक पारी बा माइग्रेन पेन ने चिंग बा पुनमक मपुंग फाना फान बंग अंबा दुगुम प्राणायाम नी अनुलोम विलोम डू दिस डोंट ब्रेक इट डू दिस कंटिन्यूअसली 5 मिनट्स मसी मिनट बंगा लेत ने तो व्यू फायदा की कानबा अदुगुम प्राणायाम नी इससे हाइपरटेंशन क्योर हो जाता है मशीना हाइपरटेंशन हाइपर लेना से मपुंग फाना मांगन मंगमी हार्ट की प्रॉब्लम और पैरालिसिस से क्योर हो जाता है अदुगा हार्ट की लेना अमदी पैरालिसिस ते चिंग बपुना मक्षे मपुंग फाना कोहली इससे 72 करोड़ से ज्यादा नस नाड़ियां एकदम स्वस्थ हो जाती है शरीर मसी की अनुलोम विलोम हरी बपरनाय मसी नाकचांग दे और 72 करोड़ नस नाड़ियां है बेदी सिंगली नावरी कोती हुमद्रा नहीं थोए से मपांगल कंगल अनमंगमी मानव महामानव बन जाता है मियो बता कि अथो मियो बा महामानव ओ बंगमी आरी बा प्रणाय मशीना सभी मनुष्यों में एक ही जैसा दिमाग है मियो बा खुद दिमाग अखो दे रे बा बुद्धि से समाइन ओ बा जब अखो की अमत ओ बा की मोंग दे लई प्राणायाम करने से हमारी बुद्धि बहुत तेज हो जाती है प्राणायाम तो वो मतमदा अखो की बुद्धि से असुकी मति मथौ कंगलई हम अपने ब्रेन का 1 से 1 to 5% ये यूटिलाइज करते अखोई की ब्रेन की शक्ति ऐसे अखोई ना शुभ्न की चा मदा मंगा खगद मक्षी नबंगमी योग से हमारा ब्रेन का साइलेंट टैलेंट ब्रेन का जो पूरी ताकत एनर्जी है सुपर कंप्यूटर 10 से भी ज्यादा पावरफुल ब्रेन है ना हमारा ये ब्रेन पूरी तरह से एक्टिवेट हो जाता है योग देगी अखोई की लहरीबा साइलेंट ब्रेन है बेटी शीन नत्र लहरी पुनः मचे मापांग कंखल है तूने शीन हनबंगमी ऐसे 5-5 मिनट्स करके 2 राउंड्स इसके कर सकते हो असुम महीना मिनट मंगा मंगा इसने राउंड मनी अदु महीना अनिरक हाय बेटी मिनट तरा मरकता ब्रेक अमा लौरगा मिनट मंगा मंगा की राउंड अनिरक तो भी आई एग्जाम हो तो भी 5 मिनट जरूर करना परीक्षा थारी बस छात्र छात्री सुना या हम द्रवत मिनट मंगा दी तो गद बनी एग्जाम अभी भी एग्जाम चल रहा है तो भी आप आए हैं मैं आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ परीक्षा लेना लेना मैं आप पुनः मुलाकात भी दमक आई ना या हमने थक चरी मैं आप पुनः मुकपू
क्योंकि जो बच्चे प्राणायाम करेंगे उनकी मेमोरी बहुत शार्प होगी करीगी नो आयता सात्र सिंह ना मसीगी प्राणायाम तो बकांदमागी उनको याद भी जल्दी होगा और याद किया वो भूलेंगे भी नहीं या मैं थुने निंगसिंग बंगमगनी निंगसिंग बचे पुनसी का उत्तम बंगमगनी उनके परीक्षा में मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे मोगी परीक्षा दे शुभ नंबर याम न वांग न फंग कनी आपको हम दो चीजें एक साथ योग से देते हैं शरीर का पूरा विकास कंप्लीट फिजिकल डेवलपमेंट एंड बहुत शार्प ब्रेन दो चीजें एक साथ मैं आम पुनः मकपू योग ना या मैं मरु वपोर ऐनी कपी गनी आमना अक्षांगी मपुंग पाना भवा लोईने ना पुंगिंगी शक्ति मपुंग पाना हेंगलहन बा डेली एक घंटा योगा अभ्यास करना है निमित खुदिंगी पुंग अमा योग की साजेन तो बिगे तो बनी परीक्षा के दौरान भी 10 to 20 मिनट्स डेल योग जरूर करना है परीक्षा मनु दसु याम दबदा मिनितरा देगी न कुन भाव बा शोइद नमक तो भी हो मैं 9 वर्ष की आयु से योग करता हूँ आई सही मापन सुरप देगी योग तरक बनी और मैं हमेशा क्लास में ही नहीं पूरे कंट्री में नंबर वन रहता था पढ़ने में आई क्लास इतना देश की नंबर वन हो इतना तमक पर मतम दसोई नंबर वन तारे ही जो योग करेगा उसका दिमाग नंबर वन रहेगा योग तो वह सिंह पुनम की माँ की बुद्धि से नंबर वन होएगा नहीं और फिर पढ़ाई करने के बाद योग हमने किया तो योग में भी नंबर वन अधुगा लाइक तंबा की मतुंगा योग तरोग दिशु योग दिशु नंबर वन होएगा नहीं हमने अब आयुर्वेद और स्वदेशी का काम शुरू किया तो आज पतंजलि देश में नंबर वन है ऐना योग की मतुंगा आयुर्वेद की थबक तरोप कांदसु आयुर्वेद की पथोक सिंह से देश का नंबर वन हो रहे जो योग करेगा वो वर्ल्ड में नंबर वन रहेगा योग पुतरोपति पृथ्वी नंबर वन होगा नहीं आपको भी योग करना है और मणिपुर का नाम और देश का नाम पूरी दुनिया में करना है मैं आम पुनः मनुष्य योग तो भी रहेगा मणिपुर की मिंगचर से पृथ्वी तक अपुंग फाना खंगन करनी मुझे पूरा विश्वास है सभी बच्चे योग करेंगे आई ना मपुंग फाना था जय मरम दी लाख पीरी भाई चाय सुपु नमक मपुंग फाने योग तो गनी है ना और दुनिया में मणिपुर का और देश का नाम रोशन करेंगे आदुगा दुनिया दा अमदी मणिपुर दा मिंचत लाई बा दुगु ममिशा का मम योग तो रगो गनी तो अब अगला प्राणायाम करते हैं मथंगी प्राणायाम तौरसी भ्रामरी प्राणायाम भ्रामरी प्राणायाम एक मेडिटेशन के लिए कंसंट्रेशन के लिए बहुत जरूरी है मेडिटेशन की धमकता पुंगिंग बुलाक्षी नब की धमकता याम न तंगाई फदबद गुम्बा प्राणायाम मनी भ्रामरी प्राणायाम इससे एकदम स्ट्रेस फ्री हो जाते हैं मशीदगी टेंशन लाइबा स्ट्रेस लाइबा पुनमक लो न कोहन मंगमी पहले उंगली माथे पर शेष ते उंगलियां आंखों पर कान अंगूठे से बंद होंगे आहान बाग खुदो बयानी ना लाइबकता अदो खुबी यानी ना नाकोंगदा अतय अचना मित्ता थंबिगनी मुंह से श्वास नहीं छोड़ना नाक से श्वास छोड़ना चिंदा शोर हंदो पे आदे ना तो अंदा शोर था दो कदो बनी हाइंग खोई ना नंबा अदो मायना हमिंग साउंड था दो कनी हाँ हमिंग साउंड होगा शोर चिंग चिंग बिरो मित मित मेन बिरो ना तो अंदा तो बिरो अदो का हाइंग खोई ना नंबा दो मायना ऐसे 3 से 5 बार ये प्राणायाम भ्रामरी प्राणायाम करना है अहुम दगी मंगारक हरिवा भ्रामरी प्राणायाम ऐसी तो बनी अब 3 बार कम से कम ओंकार बोलेंगे उद्गीत प्राणायाम करेंगे लंबा गहरा सांस भर के अहुम लग ओम की ओंकार ऐसी अखे हाय गनी लंबा सांस सांग न सोर मनु चिंग चिंग बिरो Mm-hmm.
complete silence, concentrate on your breath or om. Om nanatraga holi pinung sa swara juda puning changjin biu, concentrate to biu. Holi ba swara juda puning tambiu, natraga na om hai ba kwanje le juda puning tambiu. मन ही मन ओम का चिंतन करना है, आवाज नहीं आएगी मुंह से। मखोद थोगन दना पुंगिंग ददा ओम ऐसी तुम सोनगनी। ये ओंकार ओंकार का मेडिटेशन है। मसी की मेडिटेशन ऐसी वो ओंकार मेडिटेशन कोई? इससे हमारा ब्रेन शार्प होगा। मसी देगी या कोई की ब्रेन ऐसी की मथाउ या कंकल हल्ली? मन में गलत बुरे विचार नहीं आएंगे। मसीह की ध्यान ऐसी तो वो मतलब पुनिंग दा आरान वाखल में तला उपयार होए। हमारी कॉन्सेस लोअर कॉन्सेस से हम डिवाइन कॉन्सेस में अपग्रेड हो जाते हैं। आई कोई की अनेम था कि वाखल देगी अवांग में था कि वाखल दे कोई लाख पंग उंगली। अब दोनों हाथ ऊपर उठाएंगे, आपस में रगड़ेंगे। हाँ, खुरानी थांगत भी रो, अदुगा खुबा आनी दो तक नक तंग ने भी रो, सागल हन भी रो। आँखों पर रखिए आँख खोल। अदुगा मित अनी मक्त थम भी रो खुद ना, साइकी मित अजुदा खुबा अनी थम भी रो सारी गई था, मधुर नान थे भी रो। रोज तीन बातों का ध्यान करना। निमित खुदिंगी वापम अहुंख निंजिंगनी। मैं ईश्वर की संतान हूँ। आई ईश्वर की मचाम सुनी। मैं ऋषियों की संतान हूँ। आई ऋषि सिंगी मचाम सुनी चारोल सुरोल नी। मैं भारत माता की संतान हूँ। आई भारत इमागी मचाम सुनी। मुझे भारत के लिए गौरवपूर्ण कार्य करने हैं। आई हा भारत की दमकता इज्जत वांगनिंग आयो बथबक तोगनी। मुझे ऋषियों की ऋषि ऋषिकाओं की वीर वीरांगनाओं की तरह जीवन जीना है। ऐहाग ऋषि नुपा ऋषि नुपी मपांगन मथौना लय बनुपा मपांगल मथौना लय बिनुपी अदुगुमना आएगी पुनशीलेन गनी। मुझे ईश्वर की संतान की तरह दिव्य आचरण करना है, दिव्य व्यवहार करना है, दिव्य कर्म करना है। ऐहाग ईश्वर की मचाम तो फम थोकपा याम न फजब व्यवहार फजब वाखल फजब थबक तोगनी। हमारे भीतर बुराइयां भी हैं और अच्छाइयां भी हैं। आई की मनुंगा अफबसुलई फतबसुलई। बुराइयों को खत्म करना है और अच्छाइयों को बढ़ाना है। फतबसिंग अदुबू मांगा लगा अफबसिंग अदुबू चौकल हंगे दबनी। हम आंखों से बुरा भी देख सकते हैं, अच्छा भी देख सकते हैं। आई की मियांग असीना अफबसु यंग भी आई फतबसु यंग भी आई। हमें अच्छा ही देखना है, बुरा नहीं देखना। आई अफबकती यंग दो बनी फतबदी यंग दो बनी। हम वाणी से सच और झूठ दोनों बोल सकते हैं। आई आई की खोंजे लसीना अफबसु ngang mengami fata besung ngang mengami. Lekin jut ni bolna, sachi bolna. Tapi aku mesung minam ba woi tapi ngang woi tapi ni asyeng ba cuma kak tengah ngang tapi ni. Ham dimag se galat vichar bhi kar sakte, acha vichar bhi kar sakte. Ai nai ki wakhal degi, apha besu khan mengami, fata besu khan mengami. Hamko galat vichar nahi karna, acha hi vichar karna. Ai koi bo aran ba wakhal ke dongo chu khalo tapi ni, apha ba cuma wakhal kak tengah ngang tapi ni. हम हाथों से गलत काम भी कर सकते हैं, अच्छा काम भी कर सकते हैं। आई नहीं कि खुद तक अफा बता बक्शु तो भी आए, फता बता बक्शु तो भी आए। हमें गलत काम नहीं करना, अच्छा ही काम करना। आई कोई कह दूंगा दिसु फता बता बक्त तो बनी, अफा बात चुम बता बक्त तो गदो बनी। योग से अच्छाई बढ़ेगी, बुराई खत्म हो जाएगी। योग देगी अफा बा हेंगल हनगनी फता बा महन गनी। इसलिए योग जरूरी है। मरम मधु ननी योग से तंगाई फद पोरम ओरी बसी। इस दुनिया में सारी चीजें बहुत अच्छी हैं। दुनिया दा याम न फब थबक पोर मयाम मले। एक इंसान ऐसा है जो अच्छा भी है और बुरा भी है। अदुबु इंसान मियो बसे मसीदा अफ बसुलई फत बसुलई। वो भगवान भी है और वो शैतान भी है। भगवान सुईश्वर की मियो बिकी मनुंगलई शैतान फत बादुगुम्बा अदुक वाखल सु मियो बिदलई। हमको हैवान और शैतान नहीं बनना। अदुगुम्बा फत बा मियो बतो कोई ओरोई दो बनी। हमको महान आत्मा बनना है। अथो ऐबा आत्मा होएगा तो बनी है, थो ऐबा मियो ऐबा मपोक होएगा तो बनी। योग से हम महान दिव्य आत्मा बनेंगे। हाय रे भाई योग से की अथो ऐबा बदुगु मशेक मंगाल ना रे बदुगु मा मियो मपोक तो ऐबा उंगनी। योग से हमारा शारीरिक बौद्धिक आध्यात्मिक सर्वांगीण विकास होगा। योग से की ऐगी हक्चांग ऐगी पुंगिंग ऐगी आत्मा से माइके मरी मपू मपुंग फान सौकर पोएगनी। अभी आपको हम कुछ संस्कृत के शब्द बोलेंगे। हाउजी संस्कृत की वाही हाई गनी।
मात्री देवो भवा से एवरीबॉडी मयाम हैव यू मात्री देवो भवा मयाम हैव यू मात्री देवो भवा मात्री देवो भवा पित्री देवो भवा पित्री देवो भवा मात्री देवो भवा मात्री देवो भवा पित्री देवो भवा पित्री देवो भवा आचार्य देवो भवा आचार्य देवो भवा अतिथि देवो भवा अतिथि देवो भवा राष्ट्र देवो भवा राष्ट्र देवो भवा माता भूमि ही माता भूमि ही पुत्रो हम पृथिव्याः पृथिव्याः इनका अर्थ है माता पिता गुरु अतिथि और राष्ट्र ये देवता समान है मसीह के अर्थ दी इमा इपा आई गुरुदेव अमदी अतिथि मसे आई देवतानी आई ने पूजा तो मिनी और राष्ट्र भी देवता है दुगा लेपाक असिचु इन लेरी बा भारत राष्ट्र असिचु देवतानी ईश्वरनी ये धरती माता हमको सब कुछ देती है लेपाक असिना माले मसिना इंगोंदे पुनमक पी हमारा ये शरीर भी तो ये धरती माता के भोजन से ही तैयार होता है भोजन ही तो रॉ मटेरियल है इस बॉडी का अखोई की अक्षांग ऐसी जो पृथ्वी माता आसना अखोई की चिंजाक पीरी बनी अदुना पृथ्वी माता आसना अखोई की रॉ मटेरियल और चिंजाक ऐसी पीरी बनी हमें धरती माता और भारत माता का गौरव बढ़ाना है अखोई ना लिपाक ऐसी की अमदी भारत इमागी मिंचत हेंगल हनगद बनी दो बातों पर सबसे ज्यादा आप ध्यान देना वाफम मनीदा मरुना वाखल थम्बियू गलत आहार और गलत विचार कभी भी मत करना करी गुम्ब मतम दसु आरान बचिंजाक आरान वाखल थमोई दो बनी खलोई दो बनी आहार हमारी बॉडी का रॉ मेटीरियल है सिंजाक सिनाई खोई की अक्षांगी मचंगनी वोबा पोचाकनी और विचार हमारे दिमाग का रॉ मेटीरियल है अदुग वाखल खन बचनाई खोई की पुगनिंगी पोचाक अमनी रॉ मेटेरियल अमनी रो मेटेरियल खराब होगा तो फिनिश गुड खराब हो जाएगा रो मेटेरियल अड्डा आरान वा था दर बदी पुथोरे पोथो को जो अफबो एरोई इसलिए गलत आहार गलत विचार कभी नहीं करना मरम मधुना आरान बचिंजाक आरान बवाखल कैदो मे दिशु तौरो दो बनी कोका कोला पेप्सी कभी मत पीना कोका कोला पेप्सी करियो मकान दिशु थवो दो बनी आप लोग पीते तो नहीं हो ना मैं आम थकती थक पी देखो ये बहुत डेंजरस है बॉडी के लिए हकचांग दमक तक ख्वाई देगी खतरनाक साथी बदुम्बा इससे कैंसर होता है मछली की कैंसर होए इससे ओबिसिटी होती है मछली की काना दबदा हकचांग नखर पे होए डायबिटीज होती है डायबिटीज तो रही मशीना और इतना भयंकर केमिकल है कि टॉयलेट में डालो तो गंदी टॉयलेट भी साफ हो जाती है ख्वाई देगी साथी बा केमिकल या हुई टॉयलेट था दब का नमा पुंगलंग ना कोलते छेंग दो रखनी इसलिए हमने इसका नाम रखा है ठंडा मतलब टॉयलेट क्लीनर मरम मधुनाई ना मछली की मम्मी थोली ठंडा है वे दी लेटिन शेंगदोप की किया सब मेरे साथ बोलो ठंडा माने टॉयलेट क्लीनर ठंडा मतलब ठंडा मतलब टॉयलेट क्लीनर से एवरीबॉडी ठंडा मतलब टॉयलेट क्लीनर से स्ट्रॉंगली ठंडा मतलब टॉयलेट क्लीनर किसी को पीना नहीं चाहिए नहीं बस एक बात और बीड़ी सिगरेट शराब अच्छा है क्या बेरी सिगरेट शराब अवधि बेरी फ्रूट यू अफबरो और तंबाकू से तो कैंसर होता है जर्दा देगी कैंसर होए खिदाक बना देगी कैंसर होए गलत चीज कभी खाना पीना नहीं आरान बद पोट अमत चाब यादे थक पे यादे चलो अब योग में अब आगे हम आसन करेंगे योगदा उजी मथंग देखो आसन तौगनी फाइव पोस्चर सभी स्टूडेंट्स के लिए यंगस्टर्स के लिए जरूरी है योग की फितुप मंगा छात्र की दमक तयाम तंगाई फदबा मनी हम भी करेंगे आप भी कीजिए आईशु तौगनी मैं आमशु तो भी हूँ सर्वांग आसन सर्वांग आसन मेमोरी को शार्प करने के लिए हाइट को बढ़ाने के लिए अवांग ब पांबा अदुगा कौगंद ब पांबा कांगू ना सर्वांग आसन तोगनी सर्वांग आसन आंखों के लिए बालों के लिए थायराइड के लिए हाइट के लिए ब्रेन के लिए बहुत जरूरी है मीट की थायराइड की अदुगा सम की अवांग की दमक तक ख्वाई देगा फपल साजे नी सर्वांग आसन सर्वांग आसन ये खाली पेट ही करना है एम्प्टी स्टोमैक करना है चुमना थमगनी सात रसिंग ने याम न फजब मवोंग तवी याम न फजन पोस्त आना तो भयावरी एक मिनट कम से कम करना मिनट अमा याम द्रवद मिनट अमा लेंग देना नोक पे आदे अटेंशन भी हूँ नोक पे आदे और
इसको करने के बाद अब करेंगे हलासन सिगे मथंग दा हलासन तवनी पैर उठा के सिर के पीछे टिका देंगे खोंग थांगली बदुना कोंग लोमदा खोंग मतोंदु थादगनी अंगम बसिंग तवनी अंगम दबे सिंग ना अंगम बंगम बचांग द थमगनी नीचे वाले भी करो मेरे साथ वाले तो अच्छा कर रहे हैं डू एवरीबॉडी पुनमक टोबी हूँ और जी याम फजन तवरी यू आर डूइंग वेरी वेल याम फजन तवरी लेकिन कुछ खाली देख ही रहे खरा मैंने ये इंद्र ले रहे आया मैंने तवी हूँ कोशिश सभी करो करने की होने पर लेपी गनु मसी पुनमक सी तवरा के दिया ना अब हम तो ले रहे तो बनी ब्रेन फरक तो रही बनी तो ये हो गया हलासन हलासन लो रहे अब करेंगे चक्रासन चक्रासन तोरा नहीं हो जी आसे से रखो पहले लेट के करो हाँ बता ले हिप पर कहता होगा नहीं बहुत अच्छा कर रहे हैं सब बच्चे नीचे वाले भी करो हाँ यस चक्रासन एवरीबॉडी डूइंग इज वेरी वेल याम फजने तोरे ये और इसको खड़े होकर के भी कर सकते हैं ले पकड़ो तो भी आए खड़े हो जाओ लेफ्ट पीरो स्टैंड अप एवरीबॉडी ले पगा ये खुद ठंगा लगा लोंग ना याम फजने तोरे स्टेज तोरी बा यस निपी मचा सिंह अपिक अपिक पे निपी मचा सिंह ना फादी की नियोग चुमना फादी के फजने तोरे यस वेरी गुड वेरी गुड वेरी नाइस अरे ऐसे नहीं लोंग ना शाबाश शाबाश शाबाश